सीएम हेमंत सोरेन ने छिन्न मस्तिका मंदिर में की पूजा। नए साल पर मां से मांगा राज्य की सुख समृद्धि का आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रजप्पा स्थित शक्तिपीठ मां छिन्न मस्तिका मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के साथ उनके पिता राज्यसभा सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, माता रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन और भाभी व विधायक सीता सोरेन ने भी पूजा की। पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि माता के दरबार क्षेत्र में मेरी जन्म स्थली भी है। आज परिवार के सभी सदस्यों के साथ माता का आशीर्वाद लेकर नए साल की शुरुआत की है। मां छिन्न मस्तिका की कृपा से राज्य में सुख शांति और समृद्धि बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सोरेन को रजप्पा मंदिर पहुंचने पर न्यास समिति के सदस्यों द्वारा बुके देकर और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया गया। इसके बाद मां छिन्न मस्तिका की पूजा अर्चना की उन्होंने और मां से नए साल पर परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा, राज्य की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन सहित पूरे परिवार के साथ छिन्न मस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उपायुक्त माधवी मिश्रा और एसपी पीयूष पांडे सहित वरीय अधिकारियों ने उनका जोरदार ढंग से स्वागत किया। रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन की ओर से मेजर कम सार्जेंट किशोर कुमार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री के आगमन पर रामगढ़ जिला पुलिस प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा में कहीं कोई कमी ना रहे इसके लिए पूरी चाक चौबंदी की गई थी। रजप्पा मंदिर में मुख्यमंत्री का आगमन दिन के करीब 1:30 बजे हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 मिनट तक पूजा अर्चना की।